ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे अपने YouTube चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि सच्चे गुरु की प्राप्ति कहाँ से होगी, सच्चे गुरु कौन है। तो दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में सच्चे गुरु की तलाश करना बहुत ही कठिन है। सच्चे गुरु या तो मिलेंगे हिमालय की कंदराओं में, या पर्वत सीढ़ियों की गुफाओं में जो तप करते हुए मिलेंगे। इस शहर में घूमने वाले सच्चे गुरु पाना असंभव है। कहा गया है कि मनुसूक्त में लिखा हुआ है कि एको अभिच्छु योक्ताश्च दावेव मिथुनम इष्मितम तयः ग्रामो समख्यात ऊर्ध्वतो नगरायते। यदि एक साधु है तो वो ठीक है, यदि दो इकट्ठा हो गए मिथुन युक्त हो जाएंगे, और तीन इकट्ठा हो गए तो वो उनके लिए गांव के समान है, और चार इकट्ठा हो गए तो वो उनके लिए नगर के समान ही समझो। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एकश्चरिन्म हेमेताम संगह सयंतेन्द्रिय। इंसान साधु अपने इंद्रियों को वश में करके संसार में अकेला विचरण करे, किसी के साथ में न घूमे, क्योंकि जो सच्चे संत होते हैं वही गुरु बनने योग्य होते हैं। वो अकेले ही किसी जंगल में, किसी पहाड़ पे, दिव्य पूर्ण स्थानों पर छुप करके अकेले ही तप करते रहते हैं, और वे ही सच्चे गुरु बनने के अधिकारी होते हैं। क्योंकि इस संसार में जो भी व्यक्ति कई कई करोड़ों लाखों लोगों के साथ में घिरा हुआ है, हजारों लोगों के साथ में घिरा हुआ है, उसका चित्त तो खुद ही 20 जगह घूमता रहता है, तो ईश्वर का चिंतन कितना कर पाएगा। दोस्तों, गुरु वो होता है जो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करा दे, अपने अंदर की अंतर आत्मा से मिला दे, परम आनंद की प्राप्ति करा दे। हर समय, हर पल, प्रत्येक क्षण आपके साथ हो, हमारे साथ हो, यहाँ तक कि हमारे आपके मन की बात को भी जानता हो। ऐसे गुरु की प्राप्ति करना बहुत ही कठिन है दोस्तों, लेकिन परंतु आज मैं जो उपाय बताऊंगा उसको करके आप एक अच्छे गुरु, सच्चे गुरु को की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरे जीवन का अनुभव है, ये मैं सत्य घटना बताऊँगा। क्योंकि जो मैंने गुरु जिनको बनाया है, वो गुरु कई बार चमत्कार मेरे जीवन में कर चुके हैं, यहाँ तक कि स्वयं साक्षात मुझे दर्शन भी दिए हैं, और अपनी कृपा से, अनुकंपा से मुझे अनुग्रहित हमेशा सदैव करते रहते हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही कहूँगा कि बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं मिल सकता, इसलिए गुरु हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परम आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक और छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि लोगों को सही ज्ञान की प्राप्ति हो सके, सही मार्गदर्शन मिल सके। दोस्तों, आप सब लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी होगी, देवी भागवत महापुराण पढ़ा होगा, श्री रामचरितमानस रामायण पढ़ा होगा। क्या कभी गुरु गीता पढ़ी है? एक बार अच्छे लेखक की, अच्छे प्रकाशन की पुस्तक लेकर के गुरु गीता को पढ़िए, फिर देखिए गुरु गीता में जो गुरु के विषय में बताया गया है, सच्चा गुरु बनने योग्य कौन है, सच्चे गुरु कौन है, सच्चे गुरु तो सुन लो आप सब लोग, सच्चे गुरु स्वयं और स्वयं ये भगवान भोलेनाथ हैं, जो अनंत हैं, अविनाशी हैं, निराकार हैं, ओमकार हैं, यही है मेरे गुरुदेव महाराज भोलेनाथ। मेरे घर का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, जिनकी पूजा करके मैंने 1008 बेलपत्र से सावन भर इनकी पूजा करके, और भी हमेशा आज भी करता हूँ। इनकी दर्शन को 6 साल पहले प्राप्त किया था, उन्होंने दर्शन दिया था मुझे और अपनी कृपा से मुझे अनुग्रहित किया था। दोस्तों, सच्चे गुरु यही हैं, स्वयं भोलेनाथ। आपको करना क्या है, एक शिवलिंगम ले आइए,
चाहे किसी पत्थर शिवलिंग के आकार को ही रख करके गुरु के रूप में उनको मान करके गुरु के रूप में नृत्यपति पूजा करें। आप सब लोग प्रचलित एक मंत्र है जो आप बोल सकते हैं, आरती कर सकते हैं उससे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम त्रिपदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तरह संकीर्तन करके संकल्प करके मानसिक स्नान करते रहिए। ओम नमः शिवाय श्री गुरुदेवाय नमः मंत्र का जप करते रहिए, ध्यान करते रहिए, अपनी आज्ञा चक्र पे ध्यान करके विकार शून्य विचार शून्य होकर के भोलेनाथ का ध्यान कीजिए, आपका कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय। और फिर एक बार कहता हूँ, लाइक सब्सक्राइबर से जुड़।